राहुल गांधी ने इसी साल 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी और आज ये यात्रा 62 दिन के बाद महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पूरी हो जाएगी। शाम 6:30 बजे के करीब दादर वेस्ट में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की समाधि स्थली चैत्य भूमि में राहुल गांधी न्याय यात्रा के समापन की घोषणा करेंगे। कांग्रेस के वादों का पिटारा खोलेंगे और केंद्र सरकार पर निशाना साधेंगे। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसको बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है और पूरे सब सारे के सारे इंस्टीट्यूशन इसी काम में लगे हुए हैं। ये एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती।